नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक तो लाखों रुपया खर्च करके हमने अपने सपनों का घर बनाया, फिर होता क्या है कि ये घर जो है धीरे धीरे झुकते जा रहा है एक साइड। अब इसके पीछे क्या कारण है, और अब डर तो ये लग रहा है कहीं घर जो है पलटी ना कर दे। तो आखिर यहां पे क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, उसके वजह से ये घर जो है दिन में दिन झुकते जा रहा। और ये जो झुका है अभी तक, नीचे तो हम कम देखेगा, जैसे ऊपर देखेंगे कम से कम जो है 3 से 4 इंची ये घर झुक गया। देखिए गलती जो है बस यहां पे कंस्ट्रक्शन की है, एक मिस्टेक लाखों रुपए की बर्बाद। और ये गलती क्या हुआ है, ज्यादातर जब एरिया कम होता है तो लोग ये सोचते हैं कि गली इधर जिधर से रोड है ना उधर जो है ना हम कैंटिलीवर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख रहे बगल वाला बिल्डिंग और हम लोग का जो बिल्डिंग है उससे जो है गैप बढ़ते जा रहा है। क्या गलती हुई है जरा इसी चीज को लेकर के आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा और आप ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इस चीज को ध्यान में लेकर के चलिएगा, नहीं तो जो है आपका भी घर झुक जाएगा। और हो कहीं ऐसा ना हो, मैं तो बहुत ऐसे वीडियो भी बनाया हूं कि घर पूरा पलटी कर देता है, मतलब पलट गया। इसके पीछे क्या कारण, जरा समझिएगा इस चीज को, लॉजिक को लेकर के। यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, ये मेरा मान लिया जाए है हमने बनाया 3 मंजिल का घर, ठीक। हमारे पास जमीन कम था इसलिए हमने जैसे हम यहां पे बना देते हैं, जरा समझिएगा। और यहां मेरा जो है ये मेरा फाउंडेशन मान लें, इसमें फाउंडेशन भी बच नहीं पाता है और दो ही कॉलम है, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक, यहां तक तो क्लियर है आप। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, ये ग्राउंड लेवल आपका हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इधर जो है अदर बिल्डिंग है। और पता कैसे चला कि हमारा जब उस बिल्डिंग से कॉन्टेक्ट छूट गया, इस बिल्डिंग के बीच में गैप आ गया। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे फर्स्ट फ्लोर के छत में कैंटिलीवर निकाल देते हैं, यानी तो यहां पे क्या करते हैं, रूम बना देते हैं, यही गलती करते हैं। हां अगर 3 कॉलम है, जरा समझिएगा, 3 कॉलम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 कॉलम मेरा इधर भी रहता तब तो यहां कैंटिलीवर निकालिए ना, आपका बिल्डिंग झुकेगा ही नहीं। अब क्या है कि यहां पे हम कैंटिलीवर निकाल दिए, इस पे रूम भी बना दिए, इस पे भी रूम बना दिए, बाथरूम बना दिए, जो भी हो। अब बताइए मेरे को, अब जो लोड है इस बिल्डिंग का, हम इसका सोल्यूशन ही बताएंगे क्या करना है। 2 ही कॉलम है और अब क्या हुआ, पूरा लोड जो है कम से कम जो है 1/4 पार्ट लोड इस पे आया। तो लोड आया तो इस फाउंडेशन पे जो है आपका ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो अब क्या होगा, लोड इस साइड भागने की कोशिश करेगा, जैसे गया और इधर से जो कॉन्टैक्ट छूटते जाएगा। यहां देखिए कैंटिलीवर निकाला गया है, यहां पे जो है रूम बना दिया गया है, यहां भी कैंटिलीवर निकाला गया है और यहां भी जो कैंटिलीवर निकाला गया है, यहां भी कैंटिलीवर निकाला गया है, ये सब चीज नहीं। अगर आप फिर से, अगर आपका घर में चौड़ाई में 2 ही कॉलम है, ठीक है, तब आप कैंटिलीवर बिल्कुल मत दीजिएगा, याद रहना चाहिए इस चीज को लेकर के, नहीं तो जो है आपका भी घर झुकेगा। अब समाधान की बात कर लेते हैं, समझे बात को कि नहीं समझे, मतलब ये हो गया। हाँ अगर बनते, अगर 3 कॉलम रहता एक और होता इधर तो फिर जो है ये नहीं झुकता आपका, समझिएगा, ठीक है, यहां तो क्लियर, क्योंकि लोड जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 कॉलम रहने से इस तरह दिक्कतें आता है, इसलिए कभी भी जो है जमीन कैंटिलीवर ना निकाले 2 कॉलम में। वो अगर जब बड़ा अगर घर है तब तो, जमीन है तब तो कोई इशू नहीं आएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया, मतलब ये हो गया, अगर लंबाई ज्यादा है, लंबाई साइड ही मेरा जो है रोड है, उसमें कैंटिलीवर बिल्कुल नहीं निकालिएगा, हमेशा जो है चौराई साइड से जो है, मतलब जिधर चौराई आपका है उधर जो है आपका कैंटिलीवर निकालना। ये तो क्लियर आपका, यहां तक तो क्लियर आपका, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको।
तो अब क्या करना है, अब ये तो बन गया है, या नहीं तो आप क्या कीजिए, इस कैंटिलीवर को तोड़ दीजिए। जरा समझिएगा, कैंटिलीवर को तोड़ दीजिए, नहीं तो जो है आपको हाफ एरिया में, जितना लोड आप यहां दिए हैं हाफ एरिया में आपको रूम सब बनाना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए जितने भी लाइव लोड, चाहे डेड लोड अगर आप यहां पर दे रहे हैं, तो इस पीछे वाला पार्ट में दीजिए तो बचा रहेगा। इस वाला पार्ट को तोड़ सकते हैं, अगर नहीं तोड़ना है तो भाई यहां पे एक और रूम बना दीजिए, वो बेहतर रहेगा। हुआ क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो है गलती अगर आपके साथ आप अगर घर बनाने में किए हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई कैंटिलीवर निकाला गया है गली में, और ऐसा अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, और जिसके वजह से जो है मतलब झुकने का चांस रहता है, आपको पीछे साइड जो है लोड देना पड़ेगा क्योंकि आपने कैंटिलीवर निकाल लिया है। हाँ, ये है कि जितना सेटल हो, इसमें घबराने की बात नहीं, जितना सेटल होना था फाउंडेशन को सेटल हो चुका है। अब ज्यादातर आप लोड जो है पीछे साइड यूज कीजिए, जिससे क्या है, हाँ गलती ये कभी मत कीजिएगा कि कभी अगर गली से बारात जा रहा है, गली से कुछ जा रहा था, अब सब आदमी बालकोनी पे न चढ़ जाइए, इससे भी आपका बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।